हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग बैंक। सो गाइस, आप सबको मैंने बताया था कि जो J&K बैंक है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दैट इज़ ओवर। ठीक है, उसके बाद अब काफ़ी लोग हैं जो ऑफिस असिस्टेंट हैं उनको जो मेल है जॉइनिंग के लिए वो आ गई है, तो उनकी जॉइनिंग जो है 28 से पहले पहले करने को बोला है। ठीक है, सो 28 फेब जो है उनकी जॉइनिंग डेट है। तो अभी हमारा ऑफिसर स्केल का नहीं आया बट ऑफिस असिस्टेंट का आ गया है, एंड उनके डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए जॉइनिंग के टाइम पे, तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आउट हो चुकी है। एंड प्रोबेबली जो PO के डॉक्यूमेंट्स हैं दोज विल ऑल्सो भी सेम, बस उसमें जो बॉन्ड वगैरह का डिफरेंस होगा बाकी सब कुछ सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो सारे के सारे आपको बता देती हूँ एक बार, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है। ठीक है, बिकॉज बहुत से लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। सो लेट स्टार्ट द वीडियो, एंड बिफोर स्टार्टिंग जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एज वेल एंड शेयर करो हाउ जितना भी पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो ओके नाउ लेट स्टार्ट। तो गाइज दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट को एक एक करके हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे हम सब की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपकी आ रही है अ कैश सर्टिफिकेट ऑफ 5,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ आर बैंक ड्रॉन इन योर फेवर। सो इसमें आपको क्या करना है, आपको किसी भी बैंक जो J&K ग्रामीण बैंक है इसके किसी भी ब्रांच में जा सकते हो आप। ठीक है, एनी ब्रांच, वहाँ पर जाके आपको कैश सर्टिफिकेट डिपॉजिट करवाना है 5,000 रुपीज़ का। तो ये क्या होता है, ये जैसे DD होता है उसी तरह का होता है। ठीक है, यू हैव टू गिव देम 5,000 रुपीज़ एंड दे विल गिव यू वन सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड किसको प्लेज करना है आपको, जनरल मैनेजर हेड ऑफिस J&K ग्रामीण बैंक, और ये 5 ईयर्स के लिए होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप जाके वहाँ पे यू कैन आस्क, आप ब्रांच में पूछ लो कि भाई मुझे कैश सर्टिफिकेट करवाना है पे। ठीक है, तो दे टेल यू कि आपको किस तरह से करवाना है। सो इट इज़ सॉर्टेड। ठीक है, इसका इतना सा ही काम है। फिर सेकंड चीज़ आती है एन एग्रीमेंट एज पर इनक्लोज्ड पर फॉर्मा ड्यूली एग्जीक्यूटेड ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ J&K स्टेट ओनली फॉर अ वैल्यू ऑफ 100 टू बी अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक एंड अफिक्स्ड विद स्पेशल एडहेसिव स्टैम्प ऑफ 10 रुपीज़। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जैसे आपका श्योरिटी बॉन्ड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर आप किसी और स्टेट से हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये J&K स्टेट में ही करवाना है। ठीक है, जैसे अगर आप, जैसे मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, तो अगर आप पंजाब से हो, राजस्थान से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, जहाँ से भी हो, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ये आप J&K से ही करवा सकते हो। यू हैव टू गो टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ J&K स्टेट। ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में चले जाओ आप J&K के ही, तो वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना। और ये बनवाना कैसे है, आप जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे बाहर बहुत सारे ना लोग बैठे होते हैं जो टाइपराइटर्स लेके बैठे होते हैं, तो उन्हें आपको क्या करना है, आपको उन्हें फॉर्मेट प्रोवाइड करना है। ये एग्रीमेंट का फॉर्मेट जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको एग्रीमेंट का फॉर्मेट उन्हें देना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जो स्टाम्प पेपर होगा 100 रुपीज़ की वैल्यू वाला, उसके ऊपर वो सबको टाइप करेंगे एंड वही उसको नोटरी से अटेस्ट भी करवा देंगे। ठीक है, बाकी उसके ऊपर एक एडहेसिव स्टैम्प लगेगी 10 रुपीज़ वाली, तो एग्रीमेंट का काम हो गया। ठीक है, एग्रीमेंट आपको जो ऑफिस असिस्टेंट्स हैं उनका एग्रीमेंट 1,00,000 रुपीज़ का है, तो आपका एग्रीमेंट हो गया। फिर तीसरी चीज़ आती है अश्योरिटी बॉन्ड, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सबका फॉर्मेट जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, अश्योरिटी बॉन्ड एज पर परफॉर्मा इनक्लोज्ड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ये भी है। अश्योरिटी बॉन्ड इज इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक है, एग्रीमेंट, हाँ सॉरी, एग्रीमेंट जो आपने था ना, आपका था एग्रीमेंट में, तो वो होता है कि मतलब हाँ आप इतने टाइम के लिए आपको सर्व करना पड़ेगा, ये सारा का सारा 2-3 पेजों का एग्रीमेंट है। ठीक है, श्योरिटी बॉन्ड जो है दिस इज़ 1,00,000 का बॉन्ड, ये इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। ठीक है, कि अगर आप छोड़ोगे इतने टाइम से पहले तो आपको 1,00,000 रुपीज़ पे करवाने पड़ेंगे। तो सेम चीज़ है, एग्रीमेंट भी आपको सेम पर्सन से करवाना है, श्योरिटी बॉन्ड भी आपको सेम पर्सन से करवाना है। ठीक है, उसी बंदे को बोल दो कि हाँ भाई मुझे एग्रीमेंट भी जो है मेरा जो फॉर्मेट है उसको इस पेपर पे कर दो। बस आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट जो है वो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे हो, और जो श्योरिटी बॉन्ड है वो आपका 500 के स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए और 10 रुपीज़ का स्टाम्प होना चाहिए। ठीक है, और जो श्योरिटी बॉन्ड है उसमें आपका आपकी श्योरिटी लगती है। ठीक है, यू नीड टू हैव somebody जो श्योरिटी दे, तो
इन्होंने मेंशन किया हुआ है श्योरिटी जो है वो ब्लड रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एनीबॉडी बट ब्लड रिलेशंस नहीं होने चाहिए उसके, ठीक है। ही कैन बी योर नेबर, ही कैन बी योर फ्रेंड, एनीबॉडी बट आपका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो फिर आता है हमारा, ये भी हो गया, फिर आता है हमारा सीक्रेसी बॉन्ड। सीक्रेसी बॉन्ड जो है डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सीक्रेसी एज पर परफॉर्मा, इसका भी आपको फॉर्मेट जो है वो दिया हुआ है। सीक्रेसी बॉन्ड में आपको कुछ नहीं करना, सीक्रेसी बॉन्ड आपने खुद ही वो करना है, ठीक है। मतलब जो भी साइन वगैरह या जो भी कुछ लिखना लुखना है वो आपने सब खुद ही करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मैंने बता दिया कि ये जो कैश सर्टिफिकेट था ये आपका बैंक जाके बनेगा, ठीक है। ये जो आपका एग्रीमेंट और जो श्योरिटी बॉन्ड है ये आपका कोर्ट जाके बनेगा, ठीक है। बाकी जो आपका ये सीक्रेसी बॉन्ड है ये आप खुद करोगे। डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये भी, और डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल, इन दोनों के भी आपको फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें फिल करना है, ठीक है। मतलब दीज ऑल थिंग्स आर टू बी डन बाय योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर लास्ट स्टडीड और सर्व्ड एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न पुलिस स्टेशन काउंटर साइन बाय गेस्टेड पुलिस ऑफिसर। सो इसमें आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे साइन करवा दो या कुछ भी, ठीक है। एक करेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको आपके कॉलेज से चाहिए, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो यू विल गेट इट वेरी इजीली। और सेकंड, ओके, और सेकंड चीज़ जो है वो आपको चाहिए पुलिस स्टेशन, आप जहाँ से भी हो आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में जाओ, ठीक है, उनको बोलो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है मैंने, 10 दिन लगेंगे। तो अगर आप ऑफिसर स्केल वाले भी हो ना तो भी आप अभी से ही थोड़ा बहुत जो है करवाना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट अपने जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स है वो बनवाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि जो पुलिस स्टेशन से जो सर्टिफिकेट बनता है उसको 10-12 डेज लग ही जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप जल्दी से जल्दी जाओ पुलिस स्टेशन में, उनको बोलो कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, तो वो खुद ही आपको सब कुछ करवा देते हैं। वो 100 या 200 रुपीज की फ़ीस लेते हैं एंड दे गिव यू द सर्टिफिकेट। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट्स के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक आपको कॉलेज का चाहिए और एक आपको पुलिस स्टेशन का चाहिए। फिर आता है कॉपी ऑफ फिजिकल मेडिकल फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल सर्विसेज। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आप, और हाँ जी, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसका कोई भी आपका फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। कॉलेज वाले अपने फॉर्मेट पर देते हैं, पुलिस स्टेशन वाले अपने फॉर्मेट पर देते हैं, कोई इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। फिर आता है आपका मेडिकल। तो मेडिकल में आपको क्या करना है, आपको बस उनके पास जाना है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके आप रिसीट जो आप जब भी आप चेकअप भी करवाते हो तो आप एक पर्ची कटवाते हो, राइट। तो पर्ची कटवाओ, वो जो 5-10 रुपीज़ की होती है वो करवा के आप जाओ कोई किसी भी फिजिशियन के पास, ठीक है। तो फिजिशियन के पास जाओगे, टेल हिम कि आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपके सारे के सारे जितने भी कंसर्न टेस्ट होंगे, वैसे तो इन्होंने कोई पर्टिकुलर टेस्ट मेंशन नहीं किया, बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले होते हैं ना उनका एक पैकेज होता है, ठीक है, कि ये टेस्ट करवाते हैं वो गवर्नमेंट का, अगर उन्होंने बनाना हो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो वो खुद ही आपको टेस्ट लिख देंगे कि ये टेस्ट आप करवाओ एंड देन गेट बैक टू हिम। तो आप जाके टेस्ट करवाओ ये सारे के सारे उधर ही उसी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, फिर आप उनके पास चले जाओ, ठीक है। फिर वो आपको बता देंगे कि आपको अब CMO से साइन करवाना है, क्योंकि आपको लिखा हुआ ना कि असिस्टेंट सर्जन ऑफ मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल सर्विसेज, इससे नीचे के रैंक के पर्सन से आपको साइन नहीं करवाना, आपको बड़े से ही साइन करवाना है। सो इट विल बी गुड अगर आप CMO के ही साइन करवा लो, ठीक है। वैसे भी सर्टिफिकेट जो है वो CMO के साइन ही होते हैं उसके ऊपर, तो दिस इज़ वेरी इजी, 1-2 दिन में आपका ये बन जाएगा। फिर इसके बाद द ओरिजिनल एंड अटेस्टेड ट्रू कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप J&K के हो तो भी चाहिए, अगर आप किसी और स्टेट के हो तो भी आपको चाहिए। सो प्लीज़ अगर आपके पास नहीं है डोमिसाइल तो डोमिसाइल बनाने के लिए अभी ही दे दो। डोमिसाइल कैसे बनेगा, जो भी आपका नियरेस्ट सेवा केंद्र है वहाँ पे जाके आप डोमिसाइल बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको ओरिजिनल में लेके जानी है और फोटो स्टेट्स भी लेके जाने हैं, ठीक है। डोमिसाइल हो गया, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या मैट्रिकुलेशन क्लास 10th का आपका चलेगा, ठीक है। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, आपका 10th का हो गया, 12th का भी चाहिए एंड आपकी जो डिग्री है वो सब कुछ जो भी आप पहले भी लेके गए थे, ठीक है, वो सब कुछ चाहिए इन ओरिजिनल। एंड दे आर सेइंग कि ये आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी रख लिए जाएंगे, ठीक है।
फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है, या अगर आपने जॉब वगैरह निकाला हुआ, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, ये सारा का सारा दिल टेक योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। सो प्लीज़ टेक द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद यू। फिर आता है आपका बायोडाटा और डिक्लेरेशन एज पर इनक्लोज्ड फॉर्मेट। अब जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ना, सबके फॉर्मेट्स जो हैं दे आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो बायोडाटा या डिक्लेरेशन जो है, इसका भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसमें आपको सिर्फ डिटेल्स अपनी फिल करनी है प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है। फिर आता है सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो इसका आपको क्या करना है, जो आपका डीसी ऑफिस होता है ना, किसी भी हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी ऑफिस होता है, तो आपको डीसी ऑफिस जाना है। डीसी ऑफिस में ही डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है वो बैठते हैं, ठीक है। यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड टेल देम दैट आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली एनओसी चाहिए जो बताती हो कि आपने आज तक वहाँ से कोई भी लोन नहीं लिया, या फिर किसी भी स्कीम के अंडर यू आर नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। फिर आता है आपका फाइनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो फाइनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे वर्किंग हो, ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग इन सम पब्लिक सेक्टर, बैंक वगैरह, कहीं पे भी अगर आप वर्किंग हो गवर्नमेंट, तो ही आपको चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। वैसे तो आपको, अगर आप काम कर रहे हो, फिर आपको डेफिनेटली चाहिए। फिर दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी। कम्प्लीटली फिल्ड NPS सब्सक्रिप्शन फॉर्म। अब ये जो NPS सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, ये भी आपको अटैचमेंट के साथ दिया हुआ मेल में, ठीक है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो, उसके लिए डिफरेंट फॉर्म है। अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो, फिर उसके लिए आपके पास डिफरेंट फॉर्म है। बाकी आपको उसके लिए एक सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, एंड बैंक सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो, तो आपकी बैंक सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लगेगी, अगर नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर आता है आपका प्रॉपर्टी स्टेटमेंट। प्रॉपर्टी स्टेटमेंट का भी आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, यू हैव टू फिल। ये सभी चीज़ों का फॉर्मेट दिया हुआ है, यू हैव टू फिल इट योरसेल्फ, ठीक है। एंड फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन फॉर ग्रेच्युटी एंड लीव एनकैशमेंट, ये भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको फिल करना है, ठीक है। ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, आपको सबके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं बेसिकली, तो आपको सिर्फ फिल करना है उनको, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार सभी के फॉर्मेट्स भी दिखा देती हूँ, एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि आपको क्या क्या फॉर्मेट्स में आपको क्या क्या फिल क्या करना है, ठीक है। तो वेट अ मिनट। सो गाइस, दिस इज़ दी NPS फॉर्म, ठीक है। ये सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, ठीक है, जो आपको बोला ना NPS वाला। तो उसमें जैसे आप कभी भी बैंक में आप फॉर्म वो खुलवाने जाते हो अकाउंट, तो इसी तरह का पेपर आता है, ठीक है। तो ये आपको भरना है, यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ लगानी है, यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना है, सारा का सारा जितना जो भी आपका डिटेल है, ये सब कुछ यहाँ पे आपने फिल करना है, ठीक है। तो ऐसी कोई बड़ी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ तो ये नहीं है, और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ये भरने में, तो इट विल बी बेटर कि आपसे जितना भरा जाता उतना भर लो, और बाकी आप जिस टाइम आप DV पे जाओगे, जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगे, तो आप उसको ले जाना अपने साथ, ठीक है। कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी, तो वहाँ पे जाके आप भर लेना। एक तो आपका ये हो गया नेशनल, ये आपका आ गया प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में आपको ये सब बताना होता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, एंड ये आपको सिर्फ तभी बताना है अगर आपके खुद के नाम पे, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे, अगर आपकी मदर या फादर के नाम पे है, तो आपको नहीं बताना। सिर्फ आपको तभी बताना अगर आपके नाम पे इनमें से कुछ भी है, ठीक है। और ये जो आपके बॉन्ड्स वगैरह वाले सर्टिफिकेट्स हैं, ये वो हैं। सबसे पहले ये एग्रीमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीमेंट उन्होंने कहा था 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे लगवाना है, ये आपका उसकी डेटा है सारा का सारा, ठीक है। ये आपको उसके ऊपर प्रिंट करवाना, आपको करना ये सारे के सारे जितने भी पेजेस है ना, 17-18 पेजेस, इसका आपको प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। ये आपका हो गया एग्रीमेंट, तो वो आपको खुद ही करके दे देंगे। एंड विटनेसेस, आपको दो विटनेसेस चाहिए, तो आप विटनेसेस की डिटेल्स इसके अंदर भर सकते हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी फॉर्म। तो आइडेंटिटी फॉर्म जो है, इसमें दिस इज़ नॉट रिटन इन द डॉक्यूमेंट्स, बट ये भी आपको अगर वो दिया हुआ है प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, भरने के लिए, तो आपको उसको भी करके जाना है। तो इसमें आपको लिखा हुआ है अफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय अ गेस्टेड ऑफिसर। तो इसमें आपको करना है, ये सब कुछ भरना है, और किसी भी गेस्टेड ऑफिसर के पास जाके आपको फोटोग्राफ लगा के उससे अटेस्ट करवाना है, ठीक है। एक साइन ऊपर करवाना है फोटोग्राफ के ऊपर, और एक यहाँ पे सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन ऑफ द अटेस्टिंग ऑफिसर। बाकी आपको डिटेल्स खुद भरनी है। फिर ये है आपका इंडेमनिटी बॉन्ड विद श्योरिटी। इसमें आपका वो सब लिखा है कि अगर आप छोड़ते हो, तो यू विल हैव टू गिव दिस मच ऑफ मनी, ठीक है। तो ये भी आप 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लगाओगे, ये भी आपको वो कर देंगे,
ठीक है, बाकी जो थोड़े बहुत डिटेल्स हैं वो आपको खुद भरनी होगी इसमें। ये ग्रीन कलर का स्टाम्प पेपर आता है, ठीक है, एग्रीमेंट का पेपर आता है ग्रीन कलर का, ये उसके ऊपर सारा का सारा प्रिंट आएगा, फिर आप भरोगे ये सब कुछ, ठीक है। बाकी ये विटनेस का जो भी आपको आपको जो भी लगता है कि हाँ आप विटनेस के नाम या एड्रेस देना, आपने जैसे अपने एस बी आई के टाइम पे दिए थे तो वही आप किसी के भी नाम या एड्रेस दे दो, जो भी आपके नेबर्स वगैरह जो आपको लगता है कि हाँ दे विल बी ओके विद इट, तो उनका आप दे दो। और श्योरिटी कोई भी अगर आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है, आपका नेबर वगैरह जो आपको अच्छे से जानता वगैरह, तो उसकी आप श्योरिटी दिलवा सकते हो, ठीक है। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्रेसी, ये आपको खुद फिल करना है, इसमें आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इसी पेज पे प्रिंट आउट निकाल के फिल करना है, ठीक है। फिर ये आ गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस, ये भी आपको खुद फिल करना है प्रिंट आउट पे। फिर डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, एंड डोमिसाइल की ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन है बट आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए डोमिसाइल का, ठीक है। तो प्लीज़ गेट इट रेडी एज सून एज पॉसिबल, तो ये भी आपको फिल करना है अकॉर्डिंगली। फिर ये आपका बायोडाटा फॉर्म, इसमें आपका सारा का सारा बायोडाटा है, ठीक है, ये भी आपको फिल करना है। और इसमें भी आपको गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाना है, गेजेटेड ऑफिसर मीन्स एनीबडी, आप गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जा सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के पास जा सकते हो, यू कैन ऑल्सो गो टू पुलिस ऑफिसर्स जो बड़े बड़े रैंक के होते हैं, बाकी आप डीसी ऑफिस जाके भी करवा सकते हो, ठीक है, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हो। अच्छा, ये आपका सारा का सारा है, तो आई गेस ये तो आप भर ही सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यू कैन फिल इट योर सेल्फ। फिर आपका आता है अगला एप्लीकेशन फॉर आइडेंटिटी कार्ड, अब आपने आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी अप्लाई करना है क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड तो आपको मिलेगा ही, तो वो आपको सारा का सारा भरना है, ये तो खुद भरोगे आप। और फिर आता है आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये जो आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है इसका प्रिंट आउट निकाल के आप वही मेडिकल जो डॉक्टर है उनके पास चले जाओ, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट वगैरह करके इसको भर के दे देंगे, ठीक है। और फिर आता है फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन फॉर ग्रेट्यूटी और लीव इन कैशमेंट, इसमें क्या होता है आपका जिसको भी आप नॉमिनी कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम अपने अकाउंट्स में नॉमिनी करते हैं ना कि हाँ अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारा जितना भी बैलेंस वगैरह है वो सारा हमारे इस पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा, तो सेम गोज़ विद दिस, अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी आपका है वो सब कुछ किसको मिलेगा, तो दैट इज़ द नॉमिनेशन। तो आप किसी का भी यहाँ पे लिख सकते हो, जितने भी नॉमिनीज आप बनाना चाहते हो, यू कैन राइट इट डाउन हेयर इन दिस बॉक्स, तो दिस इज़ दी नॉमिनेशन वन, ठीक है। तो आपको बेसिकली सारे के सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं उन्होंने अटैच करके, जो उनसे भी आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी रह गई होगी, फिर भी अगर स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है, आई विल टेल यू एवरीथिंग वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। तो बाकी जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए इनकरेज हूँ, ठीक है। तो ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द जॉइनिंग, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।